आज मेरे पास इस बॉक्स में है ऑफलाइन मार्केट में सेल होने वाली सबसे तगड़ी सीरीज। गेस करो कौन सी है। गेस का क्या ही फायदा जब ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल देख के आए हो। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 11 सीरीज की, और इसके अंदर दो फोन हमारे पास हैं, ओप्पो रेनो 11 प्रो एंड 11। एक्चुअली जो चाइना में 11 प्रो आया था वो यहाँ पे 11 बन चुका। फेफड़ा आता है या फिर धड़कन आती है, चलिए देखते हैं। बट उसके पहले एक क्विक सी अनबॉक्सिंग। ये बॉक्स बिल्कुल सिमिलर सा है जो रेनो 10 में भी मिला था, और आई थिंक यही कलर ओप्पो देता आया है। और मुझे इनकी अनबॉक्सिंग भी ऑलमोस्ट याद हो गई है। पहले एक एनवलप आता है जिसके अंदर एक केस होगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, देखा, एक सिम इंजेक्टर पिन, और भाई कवर मस्त है। इस बार का कवर मुझे लिटरली काफी मजेदार लगा। स्पेशल चीज ये है कि रेनो 11 का कवर है, और 11 प्रो का जो कवर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। महंगे फोन में सस्ता कवर, सस्ते फोन में महंगा कवर, बूंदी उल्टी बुलटी हो गई इसकी। ओ भाई, इसके साथ स्टिकर्स भी मिले। और अब ये है रेनो 11 एंड ये है रेनो 11 प्रो। ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं दोनों में चार्जर। रेनो 11 में है 67 वोल्ट का और रेनो 11 प्रो में है 80 वोल्ट का। एक टाइप सी टू ए वाली केबल एंड दैट्स ऑल। और अब खोलते हैं सीधा फोन्स को। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? मार्बल की कारीगरी लग रही है। ओप्पो डिजाइन बाय शाहजहां के कारीगर। ओप्पो अपनी हर सीरीज में कुछ ना कुछ डिजाइन नया लाने की कोशिश करता रहता है, मुझे ये पता है क्योंकि मेरे सामने ही ओप्पो रेनो 10 सीरीज रखी हुई है। तो ये जब 6 महीने पहले लॉन्च हुए तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि भाई यही है वो डिजाइन जो हम खोज रहे थे। लेकिन जस्ट 6 महीने बाद ही ये आता है। तो छोटे मोटे चेंजेस के साथ ही नहीं, काफी मेजर चेंजेस हैं जो इनको अलग दिखाते हैं। दोनों ही फोन एकदम फ्लैगशिप टाइप दिखते हैं, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबल वाली वाइब देता है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पीछे ग्लास बैक है। ऑल्दो इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा, एक ग्लोसी बैक है, लेकिन जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का है। ऑल्दो दोनों के ही जो फ्रेम्स हैं वो प्लास्टिक के ही हैं, यहाँ डेफिनेटली मेटल होना चाहिए था। कैमरा फ्रेमिंग ऑलमोस्ट सिमिलर सी लग रही है, यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस है ही नहीं। 11 प्रो के अंदर यहाँ पे एक पेरिस्कोप लेंस भी मिलता है नीचे की तरफ, और इसके अंदर एक मेन कैमरा है और दो कैमराज नीचे की तरफ दिए गए हैं। और ये क्या देख रहा हूँ भाई मैं, कंप्लीट अनबॉक्सिंग हुई नहीं है। यस, दोनों ही फोन कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आते हैं। दोनों के ही बेजल्स कम हैं, इतने भी कम नहीं हैं जितने आजकल स्टैंडर्ड बन चुका है। ऑल्दो जिस प्राइस रेंज में आ रहे हैं उस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बहुत मस्त है, और फोन की इन हैंड फील काफी मस्त है क्योंकि काफी हल्का है। लेकिन आप इसको सिंगल हैंड किसी भी फोन को यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि डिस्प्ले साइजेस दोनों के ही बड़े हैं। बाकी दोनों ही फोनों में लुक वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीजें मिलती हैं, दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है। तो इस को रखते हैं साइड। प्रो की बात करते हैं, इसकी डिस्प्ले एक 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट, और ये 120 हर्ट्ज काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। साथ ही डिस्प्ले में है 1600 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस। मैं एकदम सूरज के सामने ही खड़ा हूँ बट स्टिल ये फुली विजिबल है। ये एक 10-bit पैनल है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी है, 4K HDR वीडियोस आप प्ले कर सकते हो इसके अंदर, और कलर्स बहुत ही ब्राइट है। इवन साइड से भी मैं पूरी डिस्प्ले देख पा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से। लेकिन अभी मैंने इसको 4K में चलाया हुआ है, 4K HDR प्लेबैक स्पीड है 2x की। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जर्क मिल रहा है, मतलब इतनी स्मूथली वीडियो नहीं चल रही है। और ये जर्क हर वीडियो में नहीं है, ये डिफर करता है अलग अलग वीडियो जब आप प्ले करोगे। जैसे कई कई जगह बिल्कुल स्मूथली चलेगा, कई जगह वो जर्क आने लग जाएगा। तो शांति में कहाँ मजा आएगा, चुपचाप कॉन्टेंट थोड़ी ना देखोगे, उसके लिए चाहिए होते हैं स्पीकर। तो देखते हैं इसका साउंड एक्सपीरियंस कैसा है। मतलब साउंड मुझे इतना कमाल का नहीं लगा। यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्पीकर हैं जो इस प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एट द सेम टाइम क्योंकि इसके अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं आए तो वो फील ही नहीं आ रही है जब ऊपर से साउंड नहीं आ रहा। अब एक कैमरा स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली आप इसमें फोटोज और वीडियोज भर भर के डालने वाले हो, और उसके लिए ओप्पो ने पहले से तैयारी भी की है। 12GB रैम है इसमें फिजिकल, 12GB वर्चुअल बढ़ा सकते हो, 24GB तक जा सकते हो, साथ ही में 256GB की मिनिमम स्टोरेज है। मतलब जो स्टार्टिंग वेरियंट है वही 256GB है, और ये काफी फास्ट फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ LPDDR 5X बेस्ड रैम है और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज है। और ये जो टाइप है ये ऑलमोस्ट लेटेस्ट है, काफी अच्छी रीड राइट स्पीड मिलती है जिसकी वजह से आप मल्टीटास्किंग भी कर पाओगे, साथ ही में गेमिंग वगैरह सारी चीजें फास्टली हैंडल कर लेगा ये। ओप्पो के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई कैमरा जो होना चाहिए वो बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए, जिसकी
जिसकी वजह से ये बिकते भी बहुत ज्यादा है। दो तीन चीजें होती हैं जो ओप्पो में हमेशा हाईलाइट रहती हैं, एक है कैमरा, दूसरा है डिजाइन। डिस्प्ले भी ये थोड़ी सी ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो डिजाइन का ही पार्ट है एटलीस्ट ऊपर से। तो और अभी हाल फिलहाल में ही एक चीज और जुड़ी है विच इज प्रोसेसिंग पावर। तो ऐसा नहीं है कि कैमरा सेंट्रिक फोन है तो इसके अंदर प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर भी बहुत सही मिलने वाली है। इसके अंदर MediaTek Dimensity 8200 आता है जो 4nm के आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इसके अंतर्गत बेंचमार्क स्कोर ऑलमोस्ट मिलियन के करीब पहुंच जाते हैं, 9,30,000 निकल के आए हैं। वहीं ये कैमरा फोन के हिसाब से इतनी पावर बहुत सफिशियंट है अगर वो थ्रोटल ना करे तो। इसके लिए हमने सीपीयू थ्रोटल भी किया और इसका ग्राफ ऑलमोस्ट ग्रीन है 84%, विच इज गुड। अगर गेमिंग की बात करें तो हमें पसंद है PUBG, तो BGMI में इसके अंदर जो सेटिंग्स मिलती हैं अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे फ्रेम रेट अल्ट्रा है, और वहीं अगर आप स्मूथ पे क्लिक करते हो आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल जाती है। और यहाँ पे कोई भी 90 FPS का ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल जो सेटिंग्स मिल रही है वो इनफ है काफी अच्छे गेम प्ले के लिए। देखा खोपड़ी पे गोली मारो भाई, अब मेरे को पता चल गया है। ओ भाई हारने के जस्ट करीब, मैं नहीं हारूंगा ये, मैंने पूरा गेम खेल दिया और मेरी परफॉर्मेंस खराब थी, बट स्टिल कोशिश तो कर रहा है ना। उसके अंदर बिल्कुल भी वॉर्म भी फील नहीं हो रहा मुझे, हीट मैनेजमेंट काफी सही की है। और गेम खेलते वक्त आपको इसके अंदर साइड बार मिलती है जिसमें चैंपियनशिप मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, साउंड चेंजर सब कुछ मिल जाता है जो एक गेमर की नीड होती है। और कोई ऐसी चीज जो यहाँ से आपको डायरेक्टली एक्सेस करनी हो तो यहाँ प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके और कोई भी चीज इसके अंदर ला सकते हो, जैसे टच ऑप्टिमाइजेशन है, क्विक स्टार्टअप है, गेम फाइल्स है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती है जो आप सिंपली एक ही टच में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और डेफिनेटली ओप्पो का फोन है तो सॉफ्टवेयर पार्ट बिल्कुल सोर्टेड है, कलर ओएस मिल जाता है इसके अंदर और ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आता है। और साथ ही में एक कमी, प्री इंस्टॉल्ड एप्स आपको बहुत सारी मिल जाती हैं, ऑल्दो आपको जो चीज नहीं चाहिए वो सिंपली आप लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो एक ठीक चीज है, बट स्टिल इतनी सारी एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा ही हो गई भाई। कुछ ओएस बेस्ड आपको ऐसी चीजें बताता हूँ, आप इसमें फ्लोटिंग विंडो यूज करके 3 ऐप्स को एक साथ यूज कर पाओगे तो मल्टीटास्किंग के हिसाब से काफी अच्छा है। और साथ ही में इसमें मिलता है स्मार्ट इमेज मैटिंग जिसमें आप किसी भी फोटो में एक ऑब्जेक्ट को उठा के उसको एज ए स्टिकर यूज कर पाओगे। ये एक अपर मिड रेंज का फोन है जिसके अंदर 12 5G के बैंड्स हैं। ये वाईफाई के साथ स्पीड देखना है इसकी, 142 Mbps। साथ ही में NFC भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है एंड वाईफाई 6 का सपोर्ट है। साथ ही में सिक्योरिटी के नाम पे फेस अनलॉक भी है, इंडिकेटिव फिंगरप्रिंट भी है और इसकी स्पीड भी काफी फास्ट है। बाकी अब बात करते हैं कैमरा की, एकदम मस्त सिल्वर की फिनिश है, काफी प्रीमियम सा लगता है और प्रीमियम इसके अंदर के लेंसेज भी है क्योंकि सबके अंदर ओप्पो ने इस बार सोनी IMX को यूज किया है। इसके अंदर 50 MP का मेन सेंसर है विद OIS, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और साथ ही 32 MP का टेलीफोटो सेंसर। और इन कैमरा से हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं। अगर आप मेन कैमरा की बात करते हो तो ये कुछ पिक्चर्स हैं। अब ये वाली पिक्चर आप स्पेशली देखोगे तो जैकेट का कलर इतना भी डार्क नहीं है जितना इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सच में बताऊं तो एक्चुअल में जैकेट इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी इस फोटो में लग रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ ओप्पो के कैमराज की कलर ग्रेडिंग ही ऐसी होती है कि वो आई कैची दिखते हैं और इसीलिए ये फोन बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं एज ए कैमरा फोन। इंडियन स्किन टोन के हिसाब से काफी अच्छा काम किया गया है, मतलब आप जब देखोगे तो ना तो ऐसे बहुत ज्यादा गोरा कर रहा है और ना ही ऐसी बिल्कुल नेचुरल छोड़ रहा है कि आपको फोटो को अलग से कलर ग्रेड करना पड़े। साथ ही आजकल का ट्रेंड पोर्ट्रेट फोटोज हमने बहुत सारी ट्राई की और इसके साथ भाई नेक्स्ट लेवल के पोर्ट्रेट्स मिले हैं, मतलब जो एज टू एज इसने कटिंग की है ना वो डेफिनेटली वर्थ इट है। और अब अल्ट्रा वाइड, आप नॉर्मल से जब अल्ट्रा वाइड में शिफ्ट करते हो तो आपको फील्ड ऑफ व्यू काफी अच्छा मिलता है, साथ ही में स्काई का कलर बिल्कुल बैलेंस्ड है, ओरिजिनल रहता है, लेकिन एक चीज है जो नहीं रहती और वो है डिटेल। जब आप मेन कैमरा से फोटोज क्लिक करोगे और उसी के साथ उसी फोटो को अल्ट्रा वाइड में लेके जाओगे वो 50 MP और 8 मेगापिक्सल वाला डिफरेंस आप साफ सीधा पता कर पाओगे। यहाँ पे जो पिक्चर्स आ रही हैं वो डेफिनेटली काफी अच्छी क्वालिटी में है, 10x तक बहुत यूजफुल पिक्चर मिलती है, 20x में ग्रेन्स आते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ भी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं। इसके अंदर वीडियोस में सपोर्ट सिर्फ 4K 30 FPS का ही मैक्सिमम है जो आई थिंक 60 FPS तक जाना चाहिए था, बट स्टिल इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। राघव दौड़ जा थोड़ा सा, जाने तू, अरे दौड़। और फ्रंट में भी मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो 4K 30 FPS का है, 60 FPS तक यहाँ भी नहीं जा सकते आप। इवन आप ट्राई करो अगर कि मैं 1080p 60 FPS तक चला जाऊँ वो भी नहीं हो पाएगा, 720p 30, 1080p 30 और 4K भी 30, दैट्स ऑल। पर आई थिंक कलर्स अच्छे आ रहे हैं, सो
स्किन टोन काफी अच्छे से मैनेज कर रखी है इसने। फ्रंट में कैमरा 32 मेगापिक्सल का है विद सोनी IMX 709 और सेल्फी में भी भाई कलर्स बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली ओप्पो जाना ही इस चीज के लिए जाता है और ये चीज दिखाई दे भी रही है। आराम से आप दाढ़ी के बाल भी गिन सकते हो भाई, मतलब डिटेल्स तो है। इसके पावर हाउस की बात करें तो इसके अंदर 4600 mAh की बैटरी है, साथ ही में ये 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है जो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में इसको 100% कर सकता है और पूरे एक दिन के लगभग आपकी बैटरी चल जाती है। अब बात करें कंक्लूजन की तो इसकी प्राइस इंडिया में लगभग 40,000 आ सकती है और इस प्राइस रेंज में ये एक अच्छा फोन हो सकता है उन लोगों के लिए जो कैमरा सेंट्रिक फोन चाहते हैं और साथ में कंटेंट देखने के लिए डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा कमाल की है और प्रोसेसिंग पावर ठीक ठाक है, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छे भी मिल जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल बैलेंस बना के ये दे रहा है वो शायद कोई और फोन ना दे पाए। बाकी एक वैल्यूएबल स्मार्टफोन है डेफिनेटली, कुछ कुछ कमियां हैं जो इस प्राइस रेंज में मिल जाती हैं, जैसे कई फोनों में एल्यूमिनियम फ्रेम्स भी आती हैं, कई फोनों में IP रेटिंग भी आती है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसके अंदर फोकस कुछ और है। बाकी मुझे नीचे लिख के बताना आपको 11 और 11 प्रो में से कौन सा ज्यादा पसंद आया। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है, आई होप आपको पसंद आई होगी, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।